प्रकार नवाजन जी राजा खुर्रम प्रदेश रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद कायदीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस पंडाल में मौजूद तमाम हजरात अस्सलाम वालेकुम। आज बारिश के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों ने यहाँ जमा होकर यह साबित कर दिया है कि 8 फरवरी को राजा परवेज अशरफ जीत रहा है इंशाल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी चाहत है। आज यकीन करें हम बारिश में आ रहे थे, मजाइल से लेकर चंडी तक सिर्फ एक झंडा लहरा रहा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा। मैं सिर्फ ये गुजारिश करने आया हूँ कि 8 फरवरी को हमारा मुकाबला उन लोगों से है जो कायर लोग थे, हमारा मुकाबला उन लोगों से है जो ये काबिलियत नहीं रखते थे कि वो अवानों में जाएं। और उसका सबूत ये है कि राजा परवेज अशरफ का इकतदार 7 साल का, मुस्लिम लीग का इकतदार 35 साल का, राजा परवेज अशरफ का इकतदार गुजर खान की तामीर का इकतदार है, राजा परवेज अशरफ का इकतदार गुजर खान में खुशियां और रोशनियों का इकतदार है, और जो 35 साल का इकतदार है मुस्लिम लीग का वो पसमानगी का इकतदार है, वो महरूमियों का इकतदार है, वो पीछे रहने का इकतदार है। तो गुजर खान वालों, 8 फरवरी को हमने खिदमत को वोट देनी है, मैरिट को वोट देनी है, एहलियत को वोट देनी है, और गुजर खान की शान राजा परवेज अशरफ को वोट देनी है। और आपको एक और बात बताऊं, 35 साल जो लोग इकतदार में रहे आज ये सब लोग मुस्लिम सियासी जमातों में चले गए। हमारे मुखालिफ जितने हजरात इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो कौमी का लड़ रहे हैं या सूबे का लड़ रहे हैं, उनमें से कोई एक ऐसा नहीं है जिसने अपनी वफा ना बेची हो, उनमें से कोई एक ऐसा नहीं है जिसने इकतदार की खातिर पार्टी बदल दी हो। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हम सब ये कहते हैं कि गुजर खान शहीदों और गाजियों की सरजमीन है, ये बहादुरों की सरजमीन है, ये वफादारों और लजपालों की सरजमीन है। तो मुझे बताएं गुजर खान वालों, क्या शहीदों और गाजियों की सरजमीन का लीडर कोई लौटा हो सकता है? बताएं मुझे, गुजर खान का लीडर होगा तो वफादार होगा, जुरतमंद होगा और इंशाल्लाह राजा परवेज अशरफ होगा। आज तारीख को वोट पड़ेगा एहलियत को, वोट पड़ेगा काबिलियत को। मैं आपको एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने, मैं उम्मीदवार हूं सूबाई असेंबली हल्का BP 8 से, अगर आप लोगों ने मुझे भी अपनी मोहब्बतों से नवाजा, अपनी वोट की ताकत की जो पर्ची की ताकत है उससे नवाजा, तो जिस तरह राजा परवेज अशरफ साहब ने कौमी असेंबली के ईवान में हक नुमाइंदगी अदा किया है, इसी तरह आपको पंजाब असेंबली में भी गुजर खान के बेटे की आवाज आएगी। आखिर में ये जलसा देखकर, ये मेला देखकर, ये जोश और खरोश देखकर मुझे इस बात पर ईमान हो चला है कि 8 फरवरी आपकी फतह का दिन है। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया।